तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है मोशन का उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है दोस्तों, इसको समझने से पहले एक कंसेप्ट आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है जिसका नाम है मोमेंटम। ठीक है, तो ये मोमेंटम क्या होता है सबसे पहले इसको हम समझते हैं, फिर दोस्तों न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखिए, जो दोस्तों मोमेंटम है ये पी लेटर से दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों ये मोमेंटम क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, ये मोमेंटम क्या है इसको समझते हैं। तो जैसे कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं मोमेंटम पी लेटर से दिखाते हैं, इसकी डेफिनेशन देखिए। तो मोमेंटम क्या होता है दोस्तों, इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन है, मास और वेलोसिटी के जो मल्टीप्लिकेशन है उसको मोमेंटम बोला जाता है। ठीक है, तो ये मोमेंटम का फॉर्मूला कैसे लिखोगे दोस्तों, देखिए मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, ओके, तो दोस्तों मोमेंटम पी लेटर से दिखाते हैं हम लोग, मास एम लेटर से और वेलोसिटी भी लेटर से, तो पी का फॉर्मूला क्या होगा, एम इंटू वी। तो फिर दोस्तों ये जो मोमेंटम है इसका यूनिट क्या होगा, देखिए मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट और वेलोसिटी का यूनिट। तो मास का यूनिट क्या होता है दोस्तों, किलोग्राम, और वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों ये जो मोमेंटम है इसका यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर हमें मोमेंटम का पता चल चुका है, मोमेंटम क्या होता है ये हमें यहाँ पर पता चल चुका है। एक और बात बहुत ही छोटी से है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए, वो क्या है देखिए, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए किसी भी चीज़ का रेट मतलब उसको टाइम से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किस चीज़ का रेट है, चेंज ऑफ मोमेंटम का दोस्तों रेट है। तो ये चेंज ऑफ मोमेंटम को टाइम से अगर डिवाइड करोगे तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ दोस्तों, चेंज ऑफ मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ठीक है, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है दोस्तों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या, एक्सेलरेशन। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या, चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि मोमेंटम जो है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी, और इसका यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हमने क्या देखा दोस्तों कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है इसी को हम एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने देखे, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है ताकि आपको ये न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है क्या। तो ये क्या है देखिए दोस्तों, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, इसको बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैसे लिखते हैं हम लोग, ये सिंबल निकालते हैं, ये सिंबल का मीनिंग है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और ये किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, फोर्स के साथ। ठीक है, फोर्स बोल सकते हो या फिर अप्लाइड फोर्स बोल सकते हो। ठीक है, अप्लाइड फोर्स, ओके। तो दोस्तों ये जो न्यूटन का सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट अगर पूछते हैं तो आपको इतना सेंटेंस लिखना है। ठीक है, और ये एक इक्वेशन भी उसके साथ आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, ये एक इक्वेशन भी आप उसके साथ यहाँ पर लिख सकते हो। अगर दोस्तों न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको पूछा जाए इक्वेशन के फॉर्म में, तो इक्वेशन के फॉर्म में इसका मीनिंग है एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन न्यूटन के सेकेंड लॉ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इक्वेशन कहाँ से मिला है हमें, ये इक्वेशन मिला है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से ये इक्वेशन जो मिला है हमें, यहाँ से ये जो इक्वेशन हमें मिला है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ से इसको कैसे प्रूव करेंगे नीचे देखते हैं। मतलब अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए इसको प्रूव करिए तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक कैसे पहुँचना है हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है, ये हमें जो है न्यूटन का सेकेंड लॉ है इसने बताया। ठीक है, अब दोस्तों मान लेते हैं एक कार है
और कार की इनिशियल वेलोसिटी है यू और इस कार की फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वी, कितने टाइम के अंदर, टी टाइम के अंदर, ठीक है। तो इसका चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल रहे हैं हम लोग इसके लिए। तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है। अब दोस्तों मान लेते हैं इस कार का मास है एम, तो फिर फाइनल मोमेंटम क्या होगा, इसका फाइनल मोमेंटम एम इंटू वी होगा, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम क्या होता है एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा दोस्तों इसका, देखिए एम इंटू वी हो जाएगा और इनिशियल मोमेंटम एम इंटू यू हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा एम इंटू यू और डिवाइडेड बाई इसको टाइम कितना लग रहा है, टी टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये है दोस्तों रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, फोर्स के साथ। तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग। अब दोस्तों यहाँ पे ऊपर जो है न्यूमरेटर, इसमें से एम अगर कॉमन आता है, ये एम, तो अंदर क्या बचेगा, एम इंटू अंदर क्या बचेगा, वी माइनस यू बचेगा, ठीक है, वी माइनस यू बचेगा और डिवाइडेड बाय क्या बचेगा दोस्तों यहाँ पर टी, ओके, इज इक्वल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा दोस्तों, फोर्स, ठीक है। अब दोस्तों हमें पता है, देखिए v माइनस यू अपॉन टाइम क्या होता है, अभी अभी हम यहाँ पर देख चुके हैं, देखिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग a पुट कर सकते हैं ना, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, देयरफॉर m इंटू a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है, क्योंकि ये जो रेड कलर में मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, ये क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी, ये होता है एक्सेलरेशन, ठीक है, ओके। अब दोस्तों एम ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, उल्टा भी लिख सकते हो कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, ठीक है। अब दोस्तों ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है, देखिए यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल टू साइन में आप कन्वर्ट कर सकते हो, कभी भी आपको ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करना है तो इसको हटाना है और आपको इक्वल टू साइन के साथ साथ एक कांस्टेंट लेना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे और इसके साथ साथ हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लेंगे, ठीक है, इक्वल टू साइन इसको हटाएंगे, एक इक्वल टू साइन लेंगे और इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर एक कांस्टेंट लेंगे, ठीक है, और ये कांस्टेंट को ये एम ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो इक्वल टू साइन है इसको आप इसके साथ रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, ओके, इक्वल टू और कांस्टेंट रखना होता है। अब दोस्तों ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड आउट करी, उसको मिली ये वैल्यू वन, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर वन मिली तो ये इक्वेशन क्या होगा, एफ इज इक्वल टू वन इंटू एम ए। तो वन को किसी के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू उतनी ही रहती है, तो यहाँ पर क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। ये आपको यहाँ पर दोस्तों इसका प्रूफ मिल चुका है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, यही है न्यूटन का सेकेंड लॉ। अगर न्यूटन का सेकेंड लॉ आपको किसी ने पूछा तो डायरेक्टली बोलना है आपको, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही है न्यूटन का सेकेंड लॉ। और अगर वर्ड्स में पूछते हैं तो क्या लिखना है दोस्तों, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, अप्लाइड फोर्स, ठीक है, इतना लॉ आपको लिखना है अगर न्यूटन का सेकेंड लॉ पूछते हैं तो, ठीक है। तो अब हमने दोस्तों यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला देखा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ हमें फोर्स का फॉर्मूला देता है, अप्लाइड फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर दोस्तों ये फोर्स का यूनिट क्या होना चाहिए, ये फोर्स जो है इसका यूनिट क्या होना चाहिए, देखिए फोर्स का यूनिट क्या होना चाहिए, मास का यूनिट इंटू एक्सेलरेशन का यूनिट। तो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है दोस्तों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये SI यूनिट्स हैं, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट क्या होना चाहिए था दोस्तों, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये फोर्स के बारे में ज़्यादा पढ़ाई किसने की, न्यूटन बाबा ने की, ठीक है। तो न्यूटन की याद में दोस्तों ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसी को एक नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, न्यूटन नाम दिया गया, ठीक है। इसीलिए फोर्स का जो यूनिट है उसको हम न्यूटन बोलते हैं, ओके। तो ये जो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसी को दोस्तों न्यूटन बोला जाएगा। इसीलिए फोर्स जो है हम न्यूटन में मेजर करते हैं। न्यूटन का मतलब क्या, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक न्यूटन का मतलब क्या, एक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों, देखिए ये जो है ये SI यूनिट है, ये जो है फोर्स को मेज़र करने का SI यूनिट है न्यूटन, ठीक है। क्योंकि SI यूनिट में देखिए लेंथ हम किस में मेज़र करते हैं, लेंथ हम मीटर में मेज़र करते हैं,
मास हम लोग केजी में मेज़र करते हैं, टाइम हम लोग सेकेंड में मेज़र करते हैं, लेकिन एक और सिस्टम होती है सीजीएस सिस्टम, ठीक है। वो सीजीएस सिस्टम क्या होती है, लेंथ हम लोग सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, मास हम लोग ग्राम में मेज़र करते हैं, और टाइम हम लोग इसमें सेकेंड में मेज़र करते हैं, ठीक है। ओके, तो फिर दोस्तों फोर्स का एसआई यूनिट क्या होगा, फोर्स का एसआई यूनिट होगा न्यूटन। न्यूटन क्यों, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर लेंथ हमने लेंथ जो है हमने एसआई में मेजर किया है, मास भी एसआई में है और टाइम भी एसआई सिस्टम में है, इसीलिए ये एसआई सिस्टम में मिल चुका है हमें, ठीक है। ओके, लेकिन फोर्स को मेजर करने का सीजीएस यूनिट क्या है दोस्तों, सीजीएस यूनिट है डाइन, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है, डाइन। ओके, और डाइन का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर डाइन इज इक्वल टू क्या होगा, मास अगर ग्राम में मेजर करते हैं, लेंथ अगर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं और टाइम अगर सेकेंड में मेजर करते हैं, तो दोस्तों फोर्स भी आपको डाइन में मेजर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक डाइन का मतलब हमें समझ में आ चुका है, एक डाइन का मतलब क्या है दोस्तों, एक डाइन का मतलब है एक ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन एक न्यूटन का मतलब क्या है दोस्तों, एक न्यूटन का मतलब है एक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे सारे के सारे ये एसआई यूनिट्स हैं और यहाँ पर ये सारे के सारे सीजीएस यूनिट हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़ाई करते हैं वो एसआई सिस्टम में करते हैं, इसीलिए हम लोग सारे यूनिट्स एसआई में लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए एक्सरसाइज के अंदर इस कंसेप्ट के ऊपर, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ, इस कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 7B रीड करिए दोस्तों, क्या है देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg, एक ऑब्जेक्ट है दोस्तों यहाँ पर जिसका मास कितना है, मास है 16 kg, इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 m/s। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर कितना एक्सेलरेशन है दोस्तों, एक्सेलरेशन है 3 m/s, ठीक है। ओके, कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स होगा ये आपको यहाँ पर निकालना है। तो ये तो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले इसका आंसर निकालते हैं। तो फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें फोर्स का फॉर्मूला पता होना जरूरी है दोस्तों। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन है, ठीक है। न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है। अब दोस्तों यहाँ पर मास देखिए केजी में दिया हुआ है और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया हुआ है, तो ये एसआई सिस्टम में है तो आंसर भी एसआई सिस्टम में आएगा। तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा जो आंसर आएगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली दोस्तों मास कितना है, 16 है और एक्सेलरेशन कितना है दोस्तों 3, सो 16 × 3 = 48, और यूनिट क्या होगा फोर्स का, एसआई यूनिट लिखना होगा, एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है, ठीक है। तो एक आंसर तो हमें यहाँ पर मिल चुका है दोस्तों, फोर्स इज इक्वल टू 48 N। अब पढ़ते हैं दोस्तों दूसरा इसके अंदर का सब क्वेश्चन। दूसरा सब क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ़ द सेम फोर्स, मतलब इतना फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 24 kg, मतलब अब अगर ऑब्जेक्ट है जिसका मास 24 kg है और उसके ऊपर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं कितना, 48 N, इसके ऊपर ये जो मास है 24 kg, इसके ऊपर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर 48 N, हाउ मच विल बी द एक्सेलरेशन, मतलब आपको पता करना है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन कितना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर दोस्तों मास दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, लेकिन एक्सेलरेशन पता करना है, तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला है दोस्तों, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो यहाँ पर दोस्तों ए पता करना है, तो ए हम इधर रखेंगे और मास को उधर भेजेंगे, तो मास अगर उधर जाएगा तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर के नीचे जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है। ओके, सो फोर्स अपॉन मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, यहाँ पे फोर्स कितना है दोस्तों, 48 है, तो 48 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन कितना निकालना है हमें, एक्सेलरेशन निकालना है, मास कितना प्रोवाइड किया गया है 24, ठीक है। सो 48 डिवाइडेड बाय 24 कितना हो जाएगा, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2, और यूनिट क्या होगा दोस्तों यहाँ पर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का यूनिट हमें पता है, ये होगा दोस्तों हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है ये भी खत्म होता है, ये न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है ये भी यहाँ पर खत्म होता है और इसके ऊपर के एग्जांपल्स भी खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग न्यूटन का तीसरे लॉ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को शेयर करिए।